आप दोनों का बहुत जो मुझे अब वक्त दिए, तो मैं कुछ बातें करना चाह रहा था आपसे। जैसा कि मैंने आपकी पेज पर देखा कि आप कई सारा चैरिटी वर्क करते हैं, तो ये सब आप अपनी जेब से करते हैं या फिर आपको कोई फंड करता है? मैं पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हम जैसे बेकार लोग के लिए आए हैं। अगर मैं आपको जहाँ पर आप बताए कि चैरिटी या फिर फंड कहीं से आता, मैं आपको इसमें क्लियर कर दूँगा। मेरे भाई, हमें देखिए फंड का कोई नहीं, अगर कोई फंड देना भी चाहते तो हम उनको क्लियर बता देंगे, आप लोग आओ और ताल्लुक करो, हमारे साथ रहते हुए काम करो। हम ये बताते हैं जी, अगर हम फंड देते हैं, हमारी एक्टिविटी एक दिन निकालते हैं हम लोग एक दिन पहले, और निकाल के वहाँ पर प्लान बनाते हैं कहाँ पर ज़रूरत है लोगों को, या कुछ कॉलेज मुंबई वहाँ पर जा सकते हैं तो वहाँ पर परमिशन लेकर वहाँ चले जाएंगे, या जैसे बहुत सी जगह है जहाँ पर लोग रोड पे से हैं, जहाँ पर लोगों को बहुत से तकलीफ है और उनकी कम से कम हमसे जो हो सकता हम वो तकलीफ दूर कर रहे हैं, मगर विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एनी वन, कोई भी सपोर्ट नहीं है हमको, और जो भी सपोर्ट है हम उनको क्लियर बता देंगे, आप लोग अपना वक्त और टाइम निकाल के हमारे साथ आओ, जो हो सकता है हम भी मिलेंगे, आप भी मिलेंगे, साबित करेंगे। जैसा कि मैंने आपके हाल ही में वीडियोस देखा था यास्मीन और मुंशी जी के साथ, आप लोग राजा सिंह के ऑफिस पर भी गए थे और उनके साथ आप कुछ एक्टिविटीज भी कर चुके हैं यासमीन और मुंशी जी के साथ, ओल्ड एज होम भी गए थे आप लोग। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल था आपका, मैं इसका आपको डिस्क्राइब करके आंसर दूंगा कि हम पहला जो आपके सवाल के अंदर तीन आंसर होते हैं कि आपका जो सवाल था कि राजा सिंह और यासमीन और मुंशी, और तो राजा सिंह का मैं आपको बता दूंगा, हम राजा सिंह के लिए जाने का सब में सही मुद्दा ये था कि हम राजा सिंह को बताना चाह रहे थे कि राजा सिंह, क्योंकि हम राजा सिंह जिस तरीके के अल्फाज यूज़ करें हम उस तरीके के अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ पर इंडिया में हेट स्टार्ट हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम की बात लेते हुए, हिंदू मुस्लिम का नाम लेते हुए लड़े झगड़े हो रहे, तो हम चाह रहे थे कि राजा सिंह के लिए जाके सिर्फ यही बात करने के लिए कि राजा सिंह अगर आपको कोई गाली दे रहा तो आप उसको गाली, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा तो आप उसको बोलो, मगर पूरे मुल्क के मुसलमान को मत बोलो, क्योंकि हिंदू मुसलमान इस मुल्क की जान है और शान है, तो हम वो चीज़ बतलाने के लिए राजा सिंह जी के लिए गए थे, मगर वहाँ पर राजा सिंह जी मिले नहीं हमसे, और जबकि हम अपॉइंटमेंट लेके गए कॉल भी करे और राजा सिंह नहीं मिलते, वो क्या करें, बहुत सी पुलिस को सर्कल और सब इंस्पेक्टर और जो हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, भारत में चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे उसको हम एक दूसरे में सब में बेहतर काम ये करना चाह रहे थे, एकता आना चाह रहे थे। अब रहा अभी एक दूसरा आपका सवाल कि यास्मीन और मुंशी, यास्मीन और मुंशी और ऐसे बहुत से हमारे देश में एक्टिविटीज हैं जो चाहते हैं कि भला करें, क्योंकि आपको तो मालूम है कि हर कोई बोलते हैं कि भला करेंगे वो क्या, मगर यहाँ पर आप काम दे सकते हैं, जब भी यास्मीन और मुंशी भी जहाँ पर भी जाते हैं उनका एक ही मुद्दा होता है कि जो उनसे हो सकता है वो करें। अब रहा बोले जो वहाँ पर गए थे हम, देखिए जो हो सकता बराबर हम हमारी टीम सब करते हैं, और वो जहाँ पर भी जाते हैं और जितना हो सके कोशिश करते हैं कि पहले एकता की फिर उनसे जो हो सकता वो काबू करते हैं। और आपका सवाल हाँ, और मैं ये भी सुना था कि यास्मीन और मुंशी जी मुंबई में एमपी के लिए ठहरने वाले हैं, तो ये किस पार्टी से ठहरेंगे? एमपी के लिए तो यास्मीन और मुंशी ठहरने वाले हैं, ये तो कन्फर्म है जो आपकी बात है, और यास्मीन और मुंशी ये मैं अभी आपको डिक्लेयर नहीं करूँगा कि कौन सी पार्टी से ठहरेंगे, मगर इतनी तो बात है पार्टी से ठहरेंगे और वही पार्टी से ठहरेंगे, मेरा जो इंटेंशन है वो बता रहा हूँ आपको, जो पार्टी चाहती है कि देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलना, तो वही पार्टी के साथ वो ठहरेंगे और वही पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, और अगर
यास्मीन और मुंशी जीतने के तो बहुत चांसेस है और इंशाल्लाह अल्लाह करीम जीत जाएंगे। अगर जीत जाएंगे तो बराबर मैं हैदराबाद बुला के जितने ओल्ड एज होम्स हैं और जिस जिस लोग को नीडी पीपल है वहाँ पर हमसे जो हो सकती है फिर भी हम उसके बाद भी बहुत अच्छे तरीके से मदद करेंगे। सिंह जी मिले नहीं और जबकि हम अपॉइंटमेंट लेके गए कॉल भी करे और राजा सिंह नहीं मिलते वो क्या करे मुंशी पुलिस को सर्कल और सब इंस्पेक्टर इन सबको बुला लिए थे, बुला के उनके जो बॉडी गार्ड है सबको बुला लिए थे, फिर वो कहे थे कि नेक्स्ट दिन के लिए हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे। ना कोई कॉल आया ना कोई अपॉइंटमेंट, हम सिर्फ जाने का रीज़न ये था कि हम एक इंसानियत दे रहे थे कि हिंदू मुस्लिम को एकता करने के लिए और जो हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है भारत में चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे उसको हम एक दूसरे में सब में फैसला काम ये करना चाहते हैं, एकता आना चाहते हैं। अब रहा अभी एक दूसरा आपका सवाल कि यास्मीन और मुंशी और ऐसे बहुत से हमारे देश में एक्टिविस्ट हैं जो चाहते हैं कि भला करें, क्योंकि आपको तो मालूम है कि हर कोई बोलते हैं कि भला करिए वो क्या, मगर यहाँ पर आप काम दे सकते हैं। जब भी यास्मीन और मुंशी भी जहाँ पर भी जाते हैं उनका एक ही मुद्दा होता है कि जो उनसे हो सकता है वो करें। अब रहा बोले वहाँ पर गए थे हम एक के जो हो सकता बराबर हम हमारी टीम सब करते हैं और वो जहाँ पर भी जाते हैं और जितना हो सके कोशिश करते हैं कि पहले एकता की फिर उनसे जो हो सकता वो साबित करते हैं। और आपका सवाल हाँ, और मैं ये भी सुना था कि यास्मीन अरोड़ा मुंशी जी मुंबई में एमपी के लिए ठहरने वाले हैं, तो ये किस पार्टी से ठहरेंगे? एमपी के लिए तो यास्मीन अरोड़ा मुंशी जी ठहरने वाले हैं, ये तो कन्फर्म है जो आपकी बात है। और यास्मीन अरोड़ा मुंशी ये मैं अभी आपको डिक्लेयर नहीं करूँगा कि कौन सी पार्टी से ठहरेंगे, मगर इतनी तो बात है पार्टी से ठहरेंगे और वही पार्टी से ठहरेंगे। मेरा जो इंटेंशन है वो बतला मैं आपको, जो पार्टी चाहती है कि देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलना तो वही पार्टी के साथ वो ठहरेंगे और वही पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। और अगर यास्मीन और मुंशी जीतने के तो बहुत चांसेस है और इंशाल्लाह अल्लाह करीम जीत जाएंगे। अगर जीत जाएंगे तो बराबर मैं हैदराबाद बुला के जितने ओल्ड एज होम्स हैं और जिस जिस लोग को नीडी पीपल है वहाँ पर हमसे जो हो सकती है फिर भी हम उसके बाद भी बहुत अच्छे तरीके से मदद करेंगे। We'll be right back.